से मेरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे किसी भी नंबर का हम डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। और जो मेथड है जिससे हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं उसका नाम है ऑस्क्यूलेशन। अगर आपको आपने सुना होगा तो ठीक है, बहुत फेमस है, नहीं सुना होगा तो भी ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें या मेथड होता है जो सबको पता नहीं होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑस्क्यूलेशन होता क्या है जैसे, और किस लिए किस नंबर में हम अप्लाई कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। जैसे हमारे पास बहुत से नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन, जैसे बहुत से नंबर है। हमें किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी अगर जीरो से चेक करना हो तो अनडिफाइन होगा, जीरो को तो कट कर देते हैं। वन से चेक करना है तो बहुत इजीली कर सकते हैं, टू से करना हो तो भी उसके डिजिट, लास्ट डिजिट अगर नंबर का इवन होगा तो उससे डिविजिबल होगा, वो भी चेक कर सकते हैं। थ्री से भी कर सकते हैं, फोर से भी कर सकते हैं। वो सब अगर आपको नहीं पता होगा तो कमेंट कीजिए, मैं इन सब पे लेक्चर्स बना दूंगा। बट जो सेवन होता है और 11 हो गया, 12 हो गया, 13, 14 बड़े नंबर्स हो गए, उनसे डिविजिबिलिटी किसी भी नंबर का कैसे चेक करते हैं वो बहुत टफ होता है। और इसका ओरिजिन क्या है मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, जिससे हम इजीली किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी किसी भी नंबर से चेक कर सकते हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले एक टर्म है एकाधिका, उसको हम पहले समझेंगे क्योंकि उसका यूज मैं बताने वाला हूँ और डिविजिबिलिटी जब हम चेक करेंगे तो उसका ही यूज होता है। तो एकाधिका भी पॉजिटिव एकाधिका होता है एंड नेगेटिव एकाधिका होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ पॉजिटिव एकाधिका क्या होता है और नेगेटिव एकाधिका क्या होता है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ एकाधिका की मीनिंग क्या होता है। एकाधिका का अगर मीनिंग हम देखें तो इसका मतलब होता है वन मोर देन प्रीवियस वन, वन मोर देन प्रीवियस वन, मतलब प्रीवियस जो भी है उससे एक ज्यादा। अब मैं बताता हूँ आपको पॉजिटिव एकाधिका क्या होता है और नेगेटिव एकाधिका। ये आपको टर्म एकाधिका टर्म है वो अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इसका ही जो भी डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे सब इसका ही यूज है। तो पहले हम पॉजिटिव एकाधिका देखते हैं। पॉजिटिव एकाधिका देखने के लिए हमें, या पॉजिटिव एकाधिका हमें निकालने के लिए करना क्या पड़ता है, कोई भी नंबर है अगर उसके लास्ट में, अगर उसके लास्ट में नाइन है तो उसके लेफ्ट में उसके प्रीवियस जो डिजिट होते हैं, लेफ्ट में जो भी डिजिट होता है उसमें वन ऐड करो। जैसा इधर टू है तो उसमें वन ऐड करो, हमें जो भी मिलेगा थ्री मिलेगा वही हमारा होगा पॉजिटिव एकाधिका। यहाँ पे नाइन है, इसका प्रीवियस डिजिट क्या है, थ्री, उसमें वन ऐड करो फोर, तो हमारा एकाधिका फोर है इसके लिए। और उसके बाद इधर 89 है, इसका प्रीवियस डिजिट एट, तो प्लस वन करेंगे जो हमें मिलेगा वो है पॉजिटिव एकाधिका नाइन। तो अभी पॉजिटिव एकाधिका आपको पता चल गया। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है जैसे सेवन है, डिविजिबिलिटी में कैसे इसका यूज होगा वो मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे पास सेवन है किसी भी नंबर से, जैसे हमारे पास एक नंबर है, एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 47 और उसका चेक करना है डिविजिबिलिटी हमें सेवन से, तो हम सेवन को एकाधिका के हेल्प से कैसे डिविजिबिलिटी 47 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। वो करने के लिए हमें पहले करना क्या पड़ेगा, सेवन, सेवन के लास्ट में, सेवन ऐसा नंबर है जिसमें लास्ट नाइन कहीं पे तो हमें दिख नहीं रहा है, तो हम उसके टेबल में देखते हैं कि उसके टेबल में कहीं पे ऐसा नंबर है जहाँ पे लास्ट डिजिट है वो नाइन है कि नहीं। तो हम अगर सेवन का टेबल देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन टेबल देखेंगे तो 49 इसके टेबल में देखो, पहले सेवन होगा उसके बाद 14, उसके बाद 21, उसके बाद 28, उसके बाद 35, उसके बाद 49। तो हमें एक ऐसा इसके टेबल में नंबर मिल जाता है जिसके लास्ट डिजिट है
या राइट वाला डिजिट है वो 9 है, तो 7 का एकाधिका क्या हो जाएगा? मैंने बोला जो उसका प्रीवियस डिजिट है मतलब 4, या लेफ्ट में जो डिजिट है 4, उसमें 1 ऐड करने का जो भी मिलता है, 1 4 में ऐड किया जो भी मिलता है 5 हमें मिलेगा, तो 7 का एकाधिका 5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास 13 13 हमारे पास नंबर है, डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें एकाधिका की जरूरत पड़ेगी। वो कैसे करें पड़ेगी वो मैं अभी बताने वाला हूँ, बट अभी एकाधिका कैसे किसी भी नंबर का हम निकालते हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज है आगे। तो 13 का एकाधिका कैसे निकालेंगे? 13 में कहीं 9 दिख नहीं रहे, इसके राइट में 9 है नहीं, तो इसका टेबल देखेंगे वापस से। अगर टेबल देखेंगे तो हमें मिलेगा 26 13 26 एंड 39, तो हमें एक ऐसा नंबर मिल गया जिसके लास्ट में 9 है। हाँ, तो 9 मिल गया। अभी मैंने बोला इसका एकाधिका क्या होगा, इधर 3 है तो 1 ऐड करेंगे तो 4, तो जो 4 मिला ये 13 का एकाधिका हो गया। तो पॉजिटिव एकाधिका कैसे निकालते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा। अगर नहीं आया रहेगा तो भी हम आगे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं उसमें क्लियर हो जाएगा, उसके बाद भी नहीं आता है तो आप कमेंट करो क्या प्रॉब्लम है। अभी पॉजिटिव एकाधिका हो गया, अभी नेगेटिव एकाधिका। नेगेटिव एकाधिका के लिए इसमें जैसा कि मैं बोला लास्ट में 9 होना चाहिए, नंबर के लास्ट में 9 होना चाहिए, वैसे ही इसके लिए नंबर के लास्ट में 1 होना चाहिए। अगर नंबर के लास्ट में 1 है तो उसका प्रीवियस जो डिजिट है, जैसा यहाँ पे 1 है, इसके बाद इसका प्रीवियस जो डिजिट है वो क्या है 2, तो इसमें कुछ ना ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है, डायरेक्ट जो हमारा एकाधिका होगा उसका प्रीवियस डिजिट होगा। जैसे इसके लिए 2 हो जाएगा, इसके लिए 3 हो जाएगा, इसके लिए 8 हो जाएगा। और इसमें भी जैसे एग्जांपल्स देख ले कोई भी नंबर के, जैसे हमारे पास एग्जांपल है 3, अगर 3 का हमें एकाधिका निगेटिव एकाधिका चाहिए तो इसका टेबल देखेंगे तो इसके टेबल में हमें 21 ऐसा नंबर मिलेगा जिसके लास्ट में 1 है, तो इसका 3 का एकाधिका हो जाएगा हमारा 2। तो इसी तरह से पॉजिटिव एकाधिका कैसे निकालना है, नेगेटिव एकाधिका कैसे निकालना है वो हमने देख लिया। और उसके बाद अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा कि हमने ये सीखा क्यों, एकाधिका निकालना सीखा क्यों। तो चलो अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाँ, तो अभी हमने सीखा एकाधिका कैसे निकालना है, अभी उस पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे डिविजिबिलिटी पे, तो हमें पता चलेगा कि एकाधिका निकालना हमने सीखा क्यों। तो एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, जैसा 81/9, ये आप डायरेक्ट बता सकते हैं 81/9 से है कि नहीं, बट हम मैं मेथड एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सिंपल एग्जांपल लिया हूँ। तो इसका एकाधिका क्या होगा 9 का, इसका प्रीवियस जो डिजिट है वो 0 है, तो इसका एकाधिका क्या होगा, प्लस 1 करेंगे 0 में तो हमें मिलेगा 1, और जो 1 मिला है वो हमारा एकाधिका है। तो पहले जिस नंबर से हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है उस नंबर का हम एकाधिका निकालेंगे। एकाधिका निकाल चुके फिर उसके बाद क्या करना है मैं अभी बताता हूँ। जिस नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करना है उस नंबर को ऐसा लिखो, उसके बाद जो राइट वाला डिजिट है उधर से स्टार्ट करो एकाधिका को मल्टीप्लाई करना, और उसके बाद जो भी नंबर आता है उस नंबर को नेक्स्ट जो नंबर है उससे ऐड करो, मतलब जो भी एक्स नंबर आया यहाँ पे वहाँ पे एक्स प्लस एट ऐड करो। उसके बाद अगर और भी नंबर्स रहेंगे तो जो इधर नंबर मिला उस नंबर को वापस से एकाधिका से मल्टीप्लाई करो, जो नंबर मिला वाई इधर मिला वापस से वाई प्लस 7 करो। फिर वाई प्लस 7 करने के बाद हमें वापस से कोई नंबर मिलता है तो उस नंबर को वापस से एकाधिका से मल्टीप्लाई करो, फिर कुछ नंबर मिलेगा, उसके बाद वापस से यही जो प्रोसेस है रिपीट करना है। और उसके बाद जो फाइनल हमें नंबर मिलता है जेड, मान लो जेड हमें नंबर मिलता है, ये जो जेड मिला उसको
जिस नंबर से हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि इससे ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं, इस नंबर से हम चेक करेंगे जेड डिविजिबल है कि नहीं। अगर जेड 9 से डिविजिबल होगा देन ए नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको समझ में आया रहेगा जो अभी मैंने बताया। हमें करना क्या है, जो भी नंबर गिवन है उसको इस फॉर्म में लिखना है। इधर थोड़ा स्पेस देंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन होगा। तो पहले करना क्या है, जो राइट से स्टार्ट करना है, जो भी नंबर है उसको एकाधिका से मल्टीप्लाई करना है। जो भी नंबर आया उसको नेक्स्ट डिजिट में ऐड करना है। वापस से जो नंबर मिलेगा ऐड करने के बाद एकाधिका से मल्टीप्लाई, ऐड मल्टीप्लाई ऐड मल्टीप्लाई ऐड। जो नंबर मिला उसको चेक करेंगे 9 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर हाँ है देन ये नंबर भी डिविजिबल है। तो हम 81 के लिए करते हैं, 81 के लिए करेंगे। तो एकाधिका 9 का हमें पता चला क्या है, 1 है। तो हमने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, हमें 1 मिला। उसके बाद इस नंबर को 1 से ऐड कर दिया तो हमें मिला 9, 8 + 1 9। हम अभी चेक करेंगे 9 9 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। देन 81 इज आल्सो डिविजिबल आई 9, देन 81 भी 9 से डिविजिबल है। अभी मैंने तो बहुत ही इजी एग्जांपल लिया था, अभी थोड़े टफ एग्जांपल लेते हैं जिसमें कैलकुलेशन होती है ना, मल्टीप्लिकेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन, जो बहुत टफ हो जाएगी। इसके लिए मैं एक नया ट्रिक बताने वाला हूँ नेक्स्ट एग्जांपल में। ये तो स्टैंडर्ड जो मेथड था वो मैंने बताया, अभी नेक्स्ट बताऊंगा वो थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है, तो आप उसे ही यूज करना क्योंकि वो थोड़ा और भी ईजी है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताता हूँ। सो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है 315/7, इसको चेक करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने पहले क्या बोला था 315 को ऐसा लिखो, उसके बाद 7 का एकाधिका क्या है वो पता करो। 7 का एकाधिका क्या है मैंने कैसा निकालना है वो बताया। अगर 7 में इस जो भी नंबर है उसमें 9 नहीं है तो उसका टेबल देखेंगे, उसके टेबल में 49 सबसे पहले आता है। तो 49 इसका एकाधिका क्या होगा, 4 + 1 = 5। सो एकाधिका हमें मिल गया 7 का 5। तो पहले हम क्या करते हैं, इस नंबर को एकाधिका से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 25। फिर उसके बाद इस नंबर से ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 26। उसके बाद वापस से एकाधिका से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस से मिलेगा जो भी, वापस से जो भी मिलता है उसे इसको ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 133। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे 133 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। अगर डिविजिबल होगा तो 315 ही डिविजिबल होगा, बट 133 हम 315 के लिए चेक कर रहे हैं और यहाँ पे हमें 133 मिल रहा है। तो ये मेथड जो है, तो हमें ऐसा मेथड सीखने का मतलब ही क्या जब हमें 133 को डिवाइड करना पड़े 7 से। तो इसलिए मैं एक बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे हम 315 को यहाँ पे जब जो फाइनल नंबर मिलता है वो बहुत ही छोटा रहे, जिससे हम चेक कर सके वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर यहाँ पे भी बड़ा नंबर मिलेगा डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए तो हमें ये मेथड का सीखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भी तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इससे अच्छा नॉर्मल मेथड से ही हम चले जाए। तो इसके लिए मैं एक नया ट्रिक बताने वाला हूँ जिसका ही यूज आपको करना है। हाँ तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके लिए आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिए बस, और इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि तो मैं नया ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आप नया ट्रिक ही याद रखिए क्योंकि उसका यूज ही सभी जगह होगा, क्योंकि जो फाइनल नंबर हमें मिलेगा आफ्टर कैलकुलेशन ये सब करने के बाद वो बहुत छोटा होगा। तो अभी हम इसी एग्जाम्पल के लिए उस मेथड को अप्लाई करते हैं। तो 315 हमें करना क्या है, पहले इतना तो सेम रहेगा उसको एकाधिका से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 25। उसके बाद इधर ऐड करेंगे तो इधर हमें मिल जाता है 26।
बट इधर ऐड करने के बाद जो हमें टू डिजिट नंबर मिलता है उसमें करना क्या है, फर्स्ट डिजिट को छोड़ देना है, जो सेकंड डिजिट है या लास्ट डिजिट है हमारा राइट वाला डिजिट है उसको एकाधिका से मल्टीप्लाई करना है। उसको एकाधिका से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो नेक्स्ट लेफ्ट वाला डिजिट है उससे ऐड करना है, फिर उसके बाद इस नंबर जो नेक्स्ट डिजिट होगा इस नंबर का उससे ऐड करना है, फिर उसके बाद हमें कंटिन्यू करना है। उसके बाद पहले पहले इधर देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। तो हमें 26 मिला इधर। हम मैंने क्या बोला, जो राइट वाला डिजिट रहेगा यानी 6 उसको हमें एकाधिका से मल्टीप्लाई करना है। उसको एकाधिका से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6 × 5 30, और उसमें 2 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 32। उसके बाद हमें करना क्या है, जब हमें 32 मिल जाएगा तो नेक्स्ट जो नंबर है उसको ऐड कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 32 + 3 = 35। तो हम चेक कर लेंगे 35 7 से डिविजिबल है कि नहीं, आपको पता ही होगा 35 7 से डिविजिबल है, देन दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पे हमें इस मेथड से 133 मिल रहा था 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, बट यहाँ पे हमें 35 मिला। इसलिए एक ट्रिक बहुत ही हेल्पफुल है, और एक मैं एग्जांपल्स लेता हूँ जिससे और भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 6 × 3 = 6 6 1 13 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके लिए हमने जो लास्ट ट्रिक सीखा उसी से करेंगे। तो 6 3 6 6 1 को ऐसा लिखेंगे, पहले तो हम हमारा फर्स्ट जो स्टेप होगा वो ये होगा कि हम जो भी नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करना है उसका एकाधिका देखें। उसका एकाधिका क्या होगा, 13 का क्या होगा, 13 के टेबल इसमें 9 नहीं है तो 13 का टेबल देखेंगे, 13 का टेबल में हमें मिलता है 39, 39 आएगा तो इसका एकाधिका क्या होगा, जो ये प्रीवियस नंबर होता है इसमें हम 1 ऐड करते हैं, एकाधिका कैसा निकालना है मैंने अभी बताया, तो इसमें टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका एकाधिका 4 होगा। तो अभी करना क्या है, राइट से स्टार्ट करेंगे, × 4 हमें मिला क्या, 4, उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10, और उसके बाद अभी मैंने क्या बोला, टू डिजिट नंबर्स इधर भी आते हैं, तो मैंने जो अभी इसकी पहले एग्जांपल में बताया ट्रिक वो यूज करेंगे। तो ये जो राइट वाला डिजिट है उसको एकाधिका से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, उसके बाद इससे ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1, उसके बाद 6 से ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 7। तो यहाँ पे हमारा 7 होगा, अभी यहाँ पे 1 ही डिजिट है तो डायरेक्ट हम एकाधिका से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 28। उसके बाद डायरेक्ट इससे ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 31। 31 मिला। अभी मल्टीप्लीकेशन थोड़ा कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 1 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एकाधिका से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें × 4 करने पे हमें 4 मिलेगा, उसके बाद इससे ऐड करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, और उसके बाद जो ये 7 जो नंबर मिलता है उसको हम नेक्स्ट डिजिट से ऐड कर देते हैं तो हमें 7 + 6 = 13 मिल जाएगा। ये 13 13 से डिविजिबल है, यस इट इज डिविजिबल बाय 13, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 13। आपको चेक करना है तो कैलसी पे चेक कर लीजिए। तो हमने अभी तक ऐसे नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक किया, उन नंबर्स से हमने चेक किया जिनका पॉजिटिव एकाधिका था, मतलब उनके नंबर्स के लास्ट में 9 था, बट अभी हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिनके लास्ट में 1 हो और हमें नेगेटिव एकाधिका मिले। तो आपको उसके बाद मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पॉजिटिव एकाधिका और नेगेटिव एकाधिका कब यूज करना है। अभी एक ऐसे एक दो एग्जांपल्स करेंगे जिनमें हमें नेगेटिव एकाधिका मिले। सो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 147/7। अभी तक हमने टेबल देखा 7 का जिसमें हमें 49 मिल रहा था और इसका एकाधिका मिल रहा था हमें 5, बट मैंने नेगेटिव एकाधिका के लिए क्या बोला था, पॉजिटिव एकाधिका के लिए हमने बोला था, मैंने बोला था कि जो नंबर होगा उसके लास्ट में 9 होना चाहिए, बट नेगेटिव के लिए तो मैंने क्या बोला था, उसके नंबर के लास्ट में 1 होना चाहिए। तो अगर हम 7 का टेबल देखें तो हमें 21 मिलता है जिसके लास्ट में 1 है, तो
तो 21 हो मिलता है जिसके लास्ट में 1 है, और उसकी एकाधिका के लिए मैंने क्या रूल बताया था, राइट डिजिट छोड़ के जो लेफ्ट डिजिट होगा वही हमारा एकाधिका होगा, और उसको नेगेटिव एकाधिका बोलते हैं हम। तो हमें क्या मिला, 2 मिला एकाधिका। तो अभी सॉल्व करते हैं, बट नेगेटिव इसका नाम इसलिए है कि हम जब भी हमें नेगेटिव एकाधिका मिलता है तो जो जिस नंबर का हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं उसमें अल्टरनेट जो नंबर्स होते हैं राइट से स्टार्ट करते हैं और उसका नेक्स्ट वाला डिजिट, फिर उसके बाद एक छोड़ के नेक्स्ट वाला डिजिट उस पर बार करते हैं, बार डाल देते हैं, जिससे इसका मीनिंग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 4 से -4 हो जाएगा। सो नेगेटिव और पॉजिटिव एकाधिका में ये डिफरेंस है। अभी सॉल्व करते हैं इसको, तो 7, उसके बाद और मेथड तो यही है, इसको एकाधिका से मल्टीप्लाई करेंगे, एकाधिका इसका 2 है तो 14 इधर हो जाएगा, उसके बाद इससे ऐड करेंगे 14 14, इधर 4 बार है सो -4, सो वी गेट 10, देन इट इज 10। फिर वापस से हम मल्टीप्लाई करेंगे एकाधिका से, देन हमें मिलता है 20, और उसके बाद इसको ऐड कर देंगे तो हमें मिलता है 21। सो 21 इज डिविजिबल बाय 7, यस, देन 147 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो हमने पॉजिटिव एकाधिका के एग्जाम्पल्स देख लिए और नेगेटिव एकाधिका के भी एग्जाम्पल्स देख लिए। अभी हमें पॉजिटिव एकाधिका और नेगेटिव एकाधिका यूज कब करना है। देखो, हमने 7 के लिए 5 एकाधिका यूज किया, बट 5 एकाधिका जब भी यूज करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन बहुत ही लेंदी हो जाएगा और टफ होते चले जाएगा, बट हम जब भी नेगेटिव एकाधिका यूज करेंगे तो यहाँ पे बार हो जाएगा। सो यहाँ पे जो हमें नंबर्स मिलेंगे वो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, तो जो नंबर मिलेगा वो स्मॉल होते चले जाएगा। इसके लिए हमें पॉजिटिव एकाधिका कभी यूज करना है और नेगेटिव एकाधिका क्यों यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है हमें कब यूज करना है, क्योंकि जब भी आपको मल्टीप्लीकेशन वगैरह कम करना रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम है उसको कम टाइम में सॉल्व करना रहेगा, तो हमें एकाधिका जितना छोटा मिलेगा उतना सही रहेगा। तो हम वो देख के पॉजिटिव एकाधिका या नेगेटिव एकाधिका सिलेक्ट करेंगे कि हमें पॉजिटिव से जाना है या नेगेटिव से जाना है। मेथड दोनों का सेम ही है, और पॉजिटिव में जब भी हम जाएंगे बड़ा नंबर्स मिलते हैं तो मैंने ट्रिक बताया उससे सॉल्व करेंगे, और नेगेटिव में तो अपने आप ही माइनस होकर छोटा हो जाता है। सो अभी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नए ट्रिक के साथ स्टार्ट करेंगे। सो लेक्चर देखने के लिए बहुत धन्यवाद, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, और नेक्स्ट वीडियो किस ट्रिक पे बनाओ वो भी कमेंट करो प्लीज़।